तो दोस्तों, आप में से ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो अपने एन ओ से टेंथ करना चाहते हैं या ट्वेल्थ करना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि हम कैसे क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना क्लास टेंथ के क्लास ट्वेल्थ के एडमिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना क्लास टेंथ में या ट्वेल्थ में अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि अपने क्लास टेंथ की ये क्लास टेंथ में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्लास ट्वेल्थ में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि क्लास टेंथ है, क्लास टेंथ में एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपके पास अपना जो है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, तीसरा आपके बनता है सिग्नेचर। जी हाँ, तो सिग्नेचर यानी कि अपना किसी प्लेन पेपर पे अपना सिग्नेचर लेकर उसकी पिक्स ले सकते हैं। तो ये तीन डॉक्यूमेंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो क्लास टेंथ में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास TC हो, SLC हो, ज़रूरी नहीं है कि कभी आप अपना स्कूल गए हो, आप सिंपली आधार कार्ड से भी क्लास टेंथ में अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं मैं बात करूं अपना क्लास ट्वेल्थ की, क्लास ट्वेल्थ में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्लास ट्वेल्थ में एडमिशन के लिए आपको चाहिए होता है 10th पास की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और सिग्नेचर। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं क्लास ट्वेल्थ एडमिशन के लिए। बाकी क्लास ट्वेल्थ में परसेंटेज का ऐसा कोई इशू नहीं है कि क्लास ट्वेल्थ में एडमिशन लेने के लिए इतनी परसेंटेज चाहिए, 10th पास है यही काफ़ी है। बाकी अपने हिसाब से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी स्ट्रीम लेना चाहे, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्तों, आप सिंपली अपने NOC की वेबसाइट पर जाके अपना एडमिशन खुद से ले सकते हैं। इनकेस क्या होता है, कई बार अपना जब NOC की वेबसाइट पर अपना एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे दिक्कत परेशानी वगैरह होती है और कई बार क्या होता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होने से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है या आगे चलकर आपको कोने को प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन है हमारा यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। तो यहाँ पर आपको अपना अनुराग सर का नंबर मिल जाएगा जो कि आपको डिस्प्ले पर आपको शो भी हो रहा है। तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपना क्लास टेंथ है या क्लास ट्वेल्थ है अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे जरिए, हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उससे आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे जरिए अपना एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो सबसे कम कीमत पर आपका होगा। जी हाँ, आप अपना बाकी जो यूट्यूबर्स है या बाकी जो भी इंस्टीट्यूट है या बाकी अपना जो भी आपको नंबर वगैरह मिलते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि हमें अपना क्लास टेंथ है या क्लास ट्वेल्थ है एडमिशन लेना है, कितना चार्ज लगेगा, और वो आपको बता भी देंगे कि इतना चार्ज हम अपना लेते हैं। उसके बाद हमसे अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना कॉन्टैक्ट करके पता भी कर सकते हैं कि क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ में आप जो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कितना कॉस्ट होगा। क्योंकि कई बार अपना देखा जाए कि मैंने देखा है कि जो दूसरे जो अपना लोग होते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं या दूसरे जो यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना NOC का एडमिशन करते हैं क्लास टेंथ में ट्वेल्थ में, तो उनकी जो अपना फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। कई जगहों पर तो देखा है मैंने कि अपना 7,000, 8,000, 10,000 ये इससे ज़्यादा होती है। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम आपका जो एडमिशन है क्लास टेंथ या ट्वेल्थ का जो भी एडमिशन है वो अपना बहुत ही कम कीमत पर आपको कर देंगे। जी हाँ, ये समझ लीजिए अपना कि हम अपना लगभग 5,000 या 4,000 से भी कम में आपका एडमिशन कर देंगे। ये समझ लीजिए कि हम आपका जो एडमिशन है सबसे कम, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे कम कीमत पर आपका एडमिशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया है कि आपका जो एडमिशन होगा हमारे जरिए बाकियों के मुकाबले सबसे कम कीमत पर होगा। दूसरा, यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका सिर्फ एडमिशन ही नहीं होगा बल्कि आपको अपना टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट मिलेंगे। आपका आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड आपका एडमिशन कंफर्म होती है आपको दे दिया जाएगा, प्लस आपके आगे चल के जो भी अपडेट होने हैं, कब आपकी एग्जामिनेशन फीस जानी है, कब आपके असाइनमेंट जाने हैं, कब आपके प्रैक्टिकल होने हैं, कब आपके थ्योरी एग्ज़ाम होने हैं, वो सारा कुछ आपको हमारे माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एडमिशन करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आगे चलकर आपको टाइम टाइम आपको सारे अपडेट भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके असाइनमेंट जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये आपको मिलेगी हमारे माध्यम से बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ये फ्री है जो है सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होगा जो हमारे जरिए अपना एडमिशन कराते हैं। जी हाँ, तो अगर आप हमारे जरिए अपना एडमिशन कराते हैं क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ है, तो ऐसे में आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है PDF फाइल सॉफ्ट कॉपी में आपको फ्री में दे दी जाएगी, प्लस आपके जो असाइनमेंट होंगे तो सॉल्व असाइनमेंट भी आपको अपना जो है कि दे दी जाएगी। इसके अलावा आप अपना आगे चल के कोई ना कोई स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं, कोई गाइड है, कोई कुंजी है, सैम्पल पेपर है, आप वो चाहते हो तो वो भी आपको अपना मिलेगा। अब वो भी आपको अपना मिलेगा लगभग अपना हाफ रेट पे। जी हाँ, मतलब कि नई गाइड होगी, नई कुंजी होगी, नई सैम्पल पेपर होगी और प्राइस होगा हाफ।
तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप में से वो विद्यार्थी है जो सोचते हो या जिनको पता हो या जिन्होंने पहले एडमिशन लिया हो साइबर कैफ़े से। जी हाँ, कि अपना सोचते हैं कि चलो साइबर कैफ़े हम आ जाएंगे, वहाँ जाएंगे एडमिशन करा लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि साइबर कैफ़े से एडमिशन कराना कई बार अपना नुकसान में पहुँच जाता है। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से अगर आपको अपना बुखार होता है और बुखार का आप इलाज चाहते हैं तो आप अपना डॉक्टर पास जाएंगे, वो आपका पूरा चेकअप करेगा, फिर आपको दवाई देगा। या आप डायरेक्ट केमिस्ट के पास में जाएंगे और कहेंगे मुझे बुखार है दवाई दे दो। तो दोनों फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर जो साइबर कैफ़े वाले हैं तो कई बार क्या होता है उन्हें खुद से अपना पूरी जानकारी नहीं होती है, खुद से अपना यहाँ पर सार कुछ उन्हें नहीं पता होता है, वो अपना तुक्के में अपना एडमिशन कर देते हैं और उन्हें अपना आगे का प्रोसेस नहीं पता होता कि कब कैसे क्या होना है। और ऐसे में आपका काफ़ी साल बर्बाद हो जाते हैं, काफ़ी आपको नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप हमारे ज़रिए अपना एडमिशन लेते हैं क्लास 10th में या क्लास 12th में, तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से गाइड किया जाएगा और आपके आगे पास होने तक आपको अपना टाइम टाइम को अपडेट दिए जाएगा कि कब कैसे क्या होना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एनओस में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि एनओस स्टूडेंट को बताने समझाने वाला कोई होता नहीं कि कब कैसे क्या करना है। लेकिन आपको हमारे माध्यम के द्वारा टाइम टू टाइम सारे आपको अपडेट आपको मिलेगा, सारे टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कई सारे आपको जो भी डाउट होगी वो भी क्लियर होंगे। तो ऐसे में आपके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों होता है क्या, कई बार अपना हमें कॉल आती है कि जो दूसरे यूट्यूबर्स है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या है कि दूसरे जो यूट्यूबर्स है जो एनओस को लेकर यूट्यूबर्स है, तो उन्होंने अपना वो भी अपना एडमिशन वगैरह करते हैं तो वो अपने स्टूडेंट से पेमेंट लेते हैं। अब पेमेंट लेने बाद में उनका नंबर कर देते हैं ब्लॉक। जी हाँ, अब ऐसे में स्टूडेंट है वो परेशान होता है, कई बार हमें कॉल आती है लेकिन फिर उस केस में हम भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उसने अपना किसी दूसरे पर्सन से अपना पेमेंट करी है, जो भी कुछ करी है, तो वो उन दोनों के बीच की बात होती है जिसमें हम खुद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अपना कहीं भी अपना एडमिशन करा रहे हैं तो सोच समझ के ज़रूर अपना एडमिशन कराइएगा, जहाँ पर ट्रस्ट हो वहीं पर ही अपना एडमिशन आप कराइएगा। तो दोस्तों अपना जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले और अनुराग सर से कॉन्टैक्ट करके अपने एडमिशन के रिगार्डिंग अपना बात करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग।